प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं और वह विषय है समाज में मीडिया की भूमिका भाग दो। समाज में मीडिया की भूमिका भाग एक में मैंने चर्चा की थी कि समाचार पत्र समाज में क्या भूमिका का निर्वहन करता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि मीडिया के कई प्रकार हैं, जैसे समाचार पत्र, समाचार समिति, फीचर समिति, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया। तो सभी मीडिया के अलग अलग टारगेट ऑडियंस हैं और सभी मीडिया अलग अलग समस्याओं पर अधिक फोकस कर पाती है, तो सभी मीडिया की अलग अलग भूमिका होती है। इसके पिछले भाग में मैंने समाचार पत्र की समाज में भूमिका पर बृहद चर्चा करने का प्रयास किया था। आज मैं चर्चा करूंगा प्रिंट मीडिया के जो दूसरे अवयव हैं, जैसे समाचार समिति की क्या भूमिका है, पत्रिका की क्या भूमिका है, फीचर समिति की समाज में क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मैं समाचार समिति का जिक्र करने का प्रयास करूंगा कि व्हाट अ रोल ऑफ न्यूज एजेंसीज इन आवर सोसाइटी। एज वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ न्यूज पेपर इन सोसाइटी इन द प्रीवियस वीडियो, इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन रोल ऑफ न्यूज एजेंसीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूज एजेंसीज बहुत प्रकार की होती है, इंडियन न्यूज एजेंसीज है, फॉरेन न्यूज एजेंसीज है, और ये न्यूज एजेंसीज समाचार पत्रों को सूचना देती है, यह न्यूज एजेंसी पत्रिकाओं को सूचना देती है, यह न्यूज एजेंसी अन्य प्रकार की जो रेडियो होती है, टेलीविजन होती है, जो मीडिया होती है, विभिन्न मीडिया को यह न्यूज एजेंसी खबर पहुंचाती है, यानी कि यह खबरों का एक थोक विक्रेता के समान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी समाचार पत्रों की कुछ न कुछ नीति होती है। हालांकि समाचार पत्र ऐसा कहते हैं कि हमारी कोई नीति नहीं है, हम निष्पक्ष हैं और निर्भीक हैं, लेकिन यदि आप समाचार पत्र का अध्ययन करेंगे, उसकी संपादकीय पढ़ेंगे, उसके विशेष आलेख को पढ़ेंगे, उसके अग्रलेख को पढ़ेंगे, उसके संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित विचार स्तंभों को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यह अखबार लेफ्टिस्ट है, यह राइटिस्ट है, यह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है, यह सत्तारूढ़ दल के विपक्ष में है, यह सत्तारूढ़ दल के अति पक्ष में है, यह सत्तारूढ़ दल के अति विपक्ष में है, यह पूर्णतः लेफ्टिस्ट है, यह पूर्णतः राइटिस्ट है। हालांकि सभी लिखते हैं कि निष्पक्ष समाचार पत्र। तो अब समाचार समिति के सामने यह समस्या होती है कि वह उसको हर प्रकार के समाचार पत्र को, हर प्रकार के मीडिया को, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, सबकी अपनी अलग अलग नीति है, सबके अपने अलग अलग ऑडियंस हैं, और वो सबके आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में यहाँ पर खबर बनाने वाले अति बहुत दक्ष प्रकार के पत्रकार होते हैं, जिनकी योग्यता वो, क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस ये सभी जितने मीडिया हैं वो उनका टारगेट ऑडियंस, जिसकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है, और इनको अपनी खबर सबसे पहले पहुंचानी होती है। समाचार समितियां कई हैं, जैसे भारत की समाचार समितियां अगर हम लें तो पीटीआई, यूएनआई, भाषा, यूनिवार्ता, एएनआई, बहुत सारी समितियां हैं, और विदेशी समितियां भी हैं बहुत सारी, एपी, एपी, रेटर, तास। तो जो विदेशी समितियां हैं वो सभी पूरे विश्व की मीडिया को कवर करती है, जो भारतीय समितियां हैं, समाचार समितियां हैं, वो भारतीय मीडिया को कवर करती है। तो समाचार समिति में जो समाचार लेखन की प्रक्रिया है वो थोड़ी भिन्न होती है। समाचार पत्र में लेखन की प्रक्रिया अलग होती है। समाचार पत्र अपनी अपनी नीति को जानता है, चाहे वो छुपी हुई नीति क्यों ना हो, तो उसको पता है कि हमें खबर के चयनों में समाचार की जो कसौटी है और समाचार मूल्य के जो आवश्यक तत्व हैं उसका ध्यान रखते हुए, इसके अलावा समाचार पत्र की नीति भी उसको प्रभावित करती है। लेकिन समाचार समिति के सामने यह होता है कि उसको हर प्रकार की नीति वाले लोगों तक पहुंचना होता है, हर प्रकार की नीति वाले मीडिया तक पहुंचना होता है। तो इसलिए इसमें खबरों को बहुत ज्यादा फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी के साथ बनाया जाता है, और ज्यादातर मीडिया
ये न्यूज एजेंसीज पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर जगह की खबर, हर गांव की खबर, हर कस्बे की खबर, हर देश की खबर में उनके रिपोर्टर नहीं पहुंच पाते, तो वो समितियों पर, हाँ खास करके जो छोटे अखबार हैं, मंझले अखबार हैं या छोटी मीडिया है, वह समितियों के खबर पर बहुत ज्यादा आश्रित होती है। कुछ समाचार पत्र तो केवल एक समिति, एक समाचार समिति को वो सब्सक्राइब करती है और उसी पर उसके 60-70% खबर उसी पर आश्रित रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाचार समितियों की बहुत अहम भूमिका होती है समाज के विकास में, समाज के निर्माण में, समाज को स्थापित करने में। और समाज की बहुत तरह की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, शैक्षिक समस्या, धार्मिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, इन सभी समस्या, जैसे आज कोरोना काल में ही यदि हम देखें तो आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन काम होने में बहुत सारे युवाओं की नौकरी से छुट्टी भी हो रही है, उनकी तनख्वाह कम हो रही है, तो एक प्रकार से बेरोजगारी की समस्या या अर्ध बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है, युवाओं में निराशा हो रही है, बहुत सारे बच्चे परीक्षाओं की तिथि बदली जा रही है, बढ़ाई जा रही है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जैसे नेट की परीक्षा है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा है और तमाम परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं हैं, उन सब की तिथियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे युवाओं में निराशा हो रही है कि उनका सत्र विलंबित हो जाएगा, फिर वो परीक्षा कैसे देंगे, किस प्रकार, सरकार के सामने भी एक समस्या है कि ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार से ली जाए। तो इस तरह की बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो युवाओं से संबंधित है, बेरोजगारी की समस्या। दूसरी ओर यदि हम देखें तो प्रवासी मजदूरों की समस्या, सबकी नौकरी से छुट्टी हो गई, वो भूखे मरने की स्थिति में आ गए, फिर वो अपने अपने घर जाने लगे। अब घर जाने के दरमियान उनके सामने कई प्रकार की समस्या आई, कई प्रकार की जो संक्रमित हो गए कोरोना से, कोरोना के बढ़ने का डर पैदा ले लिया। तो ये सारी जो सामाजिक समस्या हैं, इनको ध्यान में रखते हुए उसी तरह आर्थिक समस्या आप सरकार करेगी, आत्मनिर्भरता उत्पन्न की जाएगी, सब लोग आत्मनिर्भर बने, सरकार समाज में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो पुराने जो हमारी पारंपरिक औद्योगिक रूप था, स्वरूप था, उसको पुनर्स्थापित करने की बात हो रही है। तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो समस्या है उसको भी समाचार समितियों को देखना होता है। उसी प्रकार राजनीतिक समस्या है, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के बीच हमेशा एक खिंचातानी चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में समाचार समिति को बहुत बारीकी से, तत्परकता के साथ, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जो पत्रकारिता के आधारभूत तत्व हैं, इनका अनुसरण करते हुए उसे सामाजिक समस्याओं पर समाचार देना होता है, आर्थिक समस्याओं पर होता है, राजनीतिक समस्याओं पर होता है, उसी प्रकार शैक्षिक समस्याओं पर होता है, धार्मिक समस्याओं पर होता है, आध्यात्मिक समस्याओं पर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये समाचार समिति विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे वो समाज से जुड़ी हो, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हो, राजनीति से जुड़ी हो, धर्म से जुड़ी हो, अध्यात्म से जुड़ी हो, युवाओं से जुड़ी हो, महिलाओं से जुड़ी हो, मजदूरों से जुड़ी हो, किसानों से जुड़ी हो, उन सब के ऊपर जो महत्वपूर्ण खबर जिसका पब्लिक इंटरेस्ट बनता है उसको देखते हैं। और जैसा कि पत्रकारिता में बताया जा चुका है कि जो चीज़ अनरूटीन्ड है और जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है और जो फ्रेश है, वो एक समाचार का निर्माण करता है। तो समाचार समिति को जैसे एक प्रकार से बहुत बड़े मीडिया के बहुत बड़े उनका जो ऑडियंस है वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में किस प्रकार से हम खाना बनाते हैं, तो ऐसा खाना बनाते हैं जो सबको पसंद आए, ऐसे सब्जी का चयन किया जाता है जो सब पूरे संयुक्त परिवार में सबको पसंद आए, दाल में इतना ही नमक दिया जाता है कि बच्चों को भी पसंद आए और बूढ़ों को भी पसंद आए। तो उस तरह से समाचार समिति को एक बहुत बड़े ऑडियंस को कैटर करना होता है,
विभिन्न मीडिया, विभिन्न विचारधारा वाली मीडिया, विभिन्न समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार के रेडियो, विभिन्न प्रकार के टेलीविजन, विभिन्न प्रकार के चैनल, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया, सबको वो कैटर करती है। तो इसलिए समाचार समिति की जो भूमिका है समाज में वो अति चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, उपयोगी है। अब हम आते हैं पत्रिका की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ मैगजीन इन सोसाइटी। मैगजीन भी एक मीडिया का बहुत अभिन्न अंग है। मैगजीन क्या है? मैगजीन एक प्रिंट मीडिया है और मैगजीन समाचार पत्र से भिन्न होता है। मैगजीन एक पुस्तक नुमा होता है। मैगजीन की जो समय अवधि होती है वो समाचार पत्र से ज्यादा होती है। समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होता है, जबकि मैगजीन साप्ताहिक हो सकता है, पाक्षिक हो सकता है, मासिक हो सकता है। अगर आप भारतीय पत्रिकाओं की बात करें तो इंडिया टुडे देखिए, आउटलुक देखिए, ये सब साप्ताहिक पत्रिका है। उस प्रकार कई प्रकार की पत्रिका होती है। पत्रिका ज्यादातर विशिष्ट खबरों को देती है। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक फैक्ट्स, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एंड इट इज मोर रिसर्च बेस्ड। इसमें ज्यादा गहराई होती है, इसकी खबरों में ज्यादा गहनता होती है, ज्यादा शोध करने का वक्त होता है, क्योंकि एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाता है। हालांकि आजकल तो समाचार पत्र के पास भी शोध करने का काफी वक्त होता है। इंटरनेट के इस युग में समाचार पत्र भी 18-20 घंटा में काफी तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं, और पत्रिका के पास तो एक सप्ताह का वक्त होता है। पाक्षिक पत्रिका है तो उसके पास 15 दिन का वक्त होता है। तो वो काफी शोधनीय खबरों को देते हैं, वो काफी गंभीरता पूर्वक न्यूज एनालिसिस को देंगे, बैकग्राउंडर को देंगे, वो समाचार को काफी विश्लेषित करके इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी देंगे, वो ज्यादातर इंटरप्रेटेटिव न्यूज देंगे। तो वो और मैगजीन्स मैंने बताया कि बहुत तरह की है, प्रतियोगी पत्रिका है, जैसे कॉम्पिटिशन मास्टर है, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू है, करियर एंड कॉम्पिटिशन टाइम्स है, प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता किरण है। ये सारी मैगजीन्स प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि पत्रिका ज्यादातर विशेषज्ञता लिए ही होती है। ये स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स होते हैं ज्यादातर, कुछ महिलाओं की स्पेशलाइज मैगजीन्स होती हैं, कुछ खेल से जुड़ी स्पेशलाइज मैगजीन होती है, जैसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड, स्पोर्ट्स टुडे, स्पोर्ट्स स्टार। उसी तरह अर्थव्यवस्था से जुड़ी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, बिजनेस सिनेरियो, सो मेनी। सो ये सब अलग अलग इसके स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं, और हर लोग मैगजीन को नहीं खरीदते। जो विशिष्ट ऑडियंस भी इसके बड़े विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक। सो इट गिव्स ए स्पेसिफिक न्यूज टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस। द ऑडियंस आर डिवाइडेड, द सर्कुलेशन ऑफ मैगजीन इज लेसर देन दैट ऑफ ए न्यूज पेपर, बट मैगजीन इज मोर रिसर्च बेस्ड, मोर इन्वेस्टिगेटिव, मोर इन डेप्थ, मोर सीरियस इश्यूज आर टेकन बिकॉज मैगजीन्स हैव मोर टाइम टू रिसर्च ऑन। मैगजीन्स में ज्यादा इनसाइट होता है, ज्यादा हाइंडसाइट होता है, ज्यादा फारसाइट होता है। इसमें पृष्ठभूमि, पीछे की बात, जैसे कोई घटना घट गई तो ऐसी घटनाएं अब तक कितनी बार हुई, इसे आप मैगजीन में ही देखिए। अब कोरोना के ऊपर ही मैगजीन में जब खबर आएगी तो आप देखेंगे, ज्यादातर देंगे अब आज से 80 वर्ष 85 वर्ष पूर्व इस तरह की समस्याएं, जैसे हैजा और प्लेग जैसा एक महामारी आया था। अब वो उसका विश्लेषण करते हैं, बुजुर्गों का इंटरव्यू, उस समय के जीवित लोगों का इंटरव्यू लेकर के उसको परोसते हैं, और अभी वर्तमान की समस्या से जोड़ते हैं, और दिखाते हैं कि किस प्रकार उस समय हमें उससे मुक्ति मिली थी, और आशा दिलाते हैं कि अभी भी हमें कोरोना से मुक्ति मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैगजीन में ज्यादा गहनता, ज्यादा गंभीरता, ज्यादा शोधात्मकता, ज्यादा विश्लेषण, ये सब होता है, और वह समाज के विभिन्न पहलुओं का, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक पहलू हो, धार्मिक पहलू हो, शैक्षिक पहलू हो, आध्यात्मिक पहलू हो, यहां तक कि मीडियाई पहलू हो, इन सब पर वो केंद्रित करता है अपने आप को। और इस प्रकार पत्रिका ज्यादा गहन अध्ययन कराता है, इसलिए ज्यादातर देखेंगे प्रतियोगी विद्यार्थी लोग ज्यादातर पत्रिका पढ़ते हैं। अखबार तो पढ़ते ही हैं, लेकिन वो पत्रिका में
वो सारी समस्याओं को एक एक बॉक्स में एकत्रित करके वो लाइन से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको परोस देते हैं, तो पाठक को काफी सहूलियत होती है, काफी सुविधा होती है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे फीचर एजेंसी। सबसे पहले हमने समाचार समितियों की चर्चा की, फिर अब पत्रिका की चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे फीचर समिति, फीचर एजेंसी जिसको कहते हैं। फीचर एजेंसीज जैसे भारत में देखें तो आप इन्फा है, ग्लोबल फीचर है, न्यूज़मैन फीचर है, देव फीचर है, ऐसे बहुत सारे फीचर एजेंसीज होती है। ये फीचर एजेंसी क्या काम करती है? ये समाचार न्यूज एजेंसी की तरह ही फीचर एजेंसी भी होती है। फीचर एजेंसी बहुत सारे अखबार को, बहुत सारे मैगजीन्स को सभी राज्यों में, यहाँ तक कि विश्व के विकासशील और विकसित देशों में भी, एक लेखक की जो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, उसके उसके फीचर को भेजती है, उसके आलेख को भेजती है, उसके अग्रलेख को भेजती है, इसके विशेष टिप्पणियों पर लेख तैयार करके उसको प्रकाशित करती है। तो इसकी इसके साथ भी वही समस्या है कि एक मैगजीन अगर फीचर छापता है तो उसको केवल अपने ऑडियंस को देखना है, उसको केवल अपनी नीतियों को देखना है, अपने संपादक के अनुसार, उसकी मानसिकता के अनुसार काम करना है। लेकिन एक फीचर समिति को बहुत विस्तार, विस्तृत ऑडियंस है, व्यापक ऑडियंस, बहुत बृहद ऑडियंस है। तो इन सब को पर ध्यान रखते हुए फीचर समिति को बहुत सारी सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, मीडियाई समस्या, सांस्कृतिक समस्या, युवाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या, बच्चों की समस्या, काल और काल समय और परिस्थिति के अनुसार बढ़ती हुई, जैसे अभी कोरोना काल है, कहते काल समय और परिस्थिति भी मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उससे संबंधित जो समस्या अभी उत्पन्न हो गई और भविष्य में जो समस्या कोरोना के बाद, जो पोस्ट कोरोना, क्या किस तरह का समाज होगा, उसकी सकारात्मक पहलू पर भी उजागर किया जाता है विचारों को कि भाई कोरोना के बाद संभवतः एक कलयुग का अंत हो जाए, कोरोना के बाद सतयुग की आरंभ हो जाए, कोरोना से पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, मानव जाति एक विशेष दक्षता, एक विशेष क्षमता लेकर हमारे सामने आएगा, और कुछ नुकसान भी होगा, जैसे कुछ प्रतिशत लोग की मृत्यु हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, अमेरिका हो, इटली हो, चीन हो, जापान हो, सब जगह, अब भारत में चीन से अधिक लोग, मृतकों की संख्या चीन से अधिक हो गई। तो ये सारे आंकड़ों को पत्रिका में परोसा जाता है और समाचार समिति भी पत्रिका की तरह ही गहन अध्ययन करता है, गंभीर अध्ययन करता है, व्यापक और विस्तृत अध्ययन करता है, ज्यादा शोधात्मक तरीके से विभिन्न प्रकार के लेखकों से लिखवाता है। समाचार समिति, फीचर समिति भी जब किसी लेखक से कुछ लिखवाता है तो वह उसका कमीशन लेता है, बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे न्यूज एजेंसी एक सब्सक्राइब करता है मीडिया को, उसी तरह फीचर एजेंसी भी विभिन्न मीडिया को सब्सक्राइब, उसको भेजता है, तो वो उसके उस एजेंसी को सब्सक्राइब करता है वो मीडिया। तो इस प्रकार फीचर एजेंसी फीचर आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल, स्पेशल पिक्चर्स, ये सब विभिन्न मीडिया को, विभिन्न प्रकार के जन माध्यमों को पहुंचाता है, प्रेषित करता है, और वो समाज में उसकी आवश्यकता के अनुसार, वो मैगजीन अपने आवश्यकता के अनुसार, वो समाचार पत्र अपने ऑडियंस के अनुसार, यदि वो लघु समाचार पत्र है तो उसका ऑडियंस अलग है, अगर वो एक एक शहर से प्रकाशित समाचार पत्र है तो उसका ऑडियंस अलग है, तो उसकी आवश्यकता अलग होगी, क्योंकि ऑडियंस इज द किंग। सो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको बताने का कोशिश किया कि किस प्रकार पत्रिका, समाचार समिति और फीचर समिति अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं समाज के निर्माण में, समाज के विकास में। सो दिस वॉज ए स्मॉल ब्रीफ डिस्कशन अबाउट रोल ऑफ मैगजीन्स, न्यूज एजेंसीज एंड फीचर एजेंसी इन आवर सोसाइटी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, यदि कोई शंका हो, किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे समाज में रेडियो की भूमिका पर।
role of radio in our society, that will be discussed in our next video. Tab tak, izazat, dhanyavaad.